यहाँ पे सब नहा रहे हैं फ्रेंड, देखो उधर से नीचे जल्दी जल्दी सामने जाए, सब डुबकी लगा रहे हैं, नहा रहे हैं गुरुद्वारा में। चीकू भी बहुत मस्ती कर रही है, ये देखिए अरे रुक जा, रुक जा यार, खेलो नहीं आप देख पे नहीं यार, मैंने का बच्चा बहुत ही अच्छा लग रहा है बाबू। नहीं मैं नहा नहीं रही बट मैं देख रही हूँ। माता माता बेटा ये हम लोग प्रसाद लेने जा रहे हैं, यहाँ प्रसाद मिलता है ना, लेकिन बहुत बड़े एरिया में। अच्छा टोकट कटाना पड़ेगा प्रसाद लेने के लिए, आपकी मर्जी है 10 की 51 की 100 रुपये 500 कितने कराओ। अच्छा वो टोकन कटवाना होगा ना, ये आपकी मर्जी कितने कटवाना चाहते हैं। इधर ही इधर ही आगे इधर ही आगे गुरुद्वारा मेन किए थे, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ से बस प्रसाद लेंगे और बाहर जाएंगे, नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग अब बंगला साहब गुरुद्वारे के अंदर जाके दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं और हम लोग यहाँ पे अब प्रसाद लेने के लिए खड़े हैं, प्रसाद लेकर बाहर निकलेंगे। बहुत ये अंदर का जो नज़ारा था, अंदर का जो वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब इस गुरुद्वारे का पूरा कैंपस जो है और सरोवर से लेकर बहुत बात कर सकते। अब हम लोग गुरुद्वारे से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लंगर का भी मज़ा लिया, लंगर में खाना खिलाया गया यहाँ पे और बहुत स्वादिष्ट खाना यहाँ का लंगर में, रोटी दाल छोले बहुत मज़ा आया। काफ़ी यहाँ का लंगर का जो खाना है बहुत काफ़ी लोग खाते हैं, हम लोगों को भी लाइन लगना पड़ा, वेट करना पड़ा, लेकिन वो वेट करने का मज़ा ही कुछ और था, क्योंकि जो खाने हम लोगों को मिले वहाँ पे लंगर का जो प्रसाद, प्रसाद खाना मत बोलो उसे प्रसाद बोलो, तो वो जो प्रसाद मिला बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी। तो अब हम लोग गुरुद्वारे से बाहर जा रहे हैं और नेक्स्ट हम लोग का प्रोग्राम है, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हम लोगों का वो लाल किला की तरफ है। तो अब हम लोग आगे क्या मेट्रो लेंगे भैया, अब हम लोग मेट्रो से तो लाल किला, अब हम लोग आगे मेट्रो लेंगे और मेट्रो से लाल किला की ओर जाएंगे और फिर अब लाल किला से फिर आगे देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम रहता है। तो अब हम लोग आगे मिलते हैं। तो हम लोग फिर से अब उसी रास्ते पर चल दिए हैं और अब हम लोग फिर से मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मेट्रो स्टेशन आने वाली है और यहाँ से मेट्रो पकड़ के हम लोग कहाँ चलेंगे बेटा, कहाँ चलना है, लाल किला, लाल किला। तो अगला प्रोग्राम लाल किला का और पूजा तो रील बना बना के परेशान है। और फोटोग्राफर्स क्या हाल चाल है, ठीक है, अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, लाल किला। अब हम लोग आ चुके हैं लाल किला, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट पे हम लोग आ चुके हैं, हमारी गाड़ी हमें छोड़ के चली गई और अब हम लोग यहाँ पे एंट्री रेड फोर्ट के एंट्री गेट पे हैं। तो हम लोग अंदर जाएंगे, ये हम लोग लाल किले के पास आ चुके हैं, हमारा रेड फोर्ट। भैया यहाँ क्या टिकट लेना होगा यहाँ से,
तो अब यहाँ से टिकट लेने के लिए यहाँ टिकट लेना होगा, और टिकट लेकर वाव मस्त ये देखो आप। और अब हम लोग टिकट लेके यहाँ से और अंदर घूमने जाएंगे। क्या दिन भर कैसा लगा घूम के? ये पूरी थक चुकी है और यहाँ के बाद हम लोग का कहीं और प्लान है, लेकिन अब इनका कहना है कि अब यहाँ से हम लोग घर चलेंगे, तो देखो आगे क्या होता है। हम लोग अभी एंट्री गेट पे हैं, यहाँ लाल किले के एंट्री गेट पे हैं। मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत मजा तो नहीं आ रहा, बहुत आ रहा है इतना, आपको नहीं आ रहा है? इतना थक गए हैं ना, इतना आप थक गए हैं, ये भी थक गए हैं, लेकिन मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये बिना मतलब बोले मजा आ रहा है, आ रहा है। आप थक गए हैं, हम लोग भी थक गए हैं, इनमें झारखंड में गए, बिहार में लगे, ये दिल्ली में लगे। भैया घुमाने में इतना परेशान हो गए, चश्मा पहन के भी बोल रहे हैं कि चश्मा में कहाँ रख दिए। तो भैया पूरा समय दिए हैं हम लोग को, अब हम लोग अंदर चल रहे हैं भैया। अब कहाँ एंट्री गेट किधर पे है? आगे से। तो हम लोग एंट्री गेट की ओर चल रहे हैं। देखिए इधर सबसे अच्छी मेरी चीकू है ना बेटा, क्या हो गया? शाम हो गई है, शाम के 5:30 बज चुके हैं, और शायद इसका टाइमिंग 6 बजे तक, कहीं 6 बजे तक खुला रहता है। तो हाँ बेटा, हम लोग जल्दी जल्दी से एंट्री करने की तैयारी में हैं, क्योंकि हो सकता है कि 6 बजे के बाद क्लोज़ हो जाइए। भैया कितने बजे तक टाइम रहता है इसका? 8 बजे तक। अच्छा 8 बजे तक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए इसका टाइमिंग, चीकू अभी चीकू यहाँ है, आप हम लोग के साथ ब्लॉग में बने रहिए और अंदर चलिए।